हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। औरंगाबाद नक्सली हमले में भाजपा कनेक्शन। नोटबंदी में नक्सलियों ने बीजेपी नेता को दिए थे 5 करोड़, नहीं लौटाए तो कर दिया हमला। बिहार के औरंगाबाद में शनिवार को हुए नक्सली हमले में बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा खुद नक्सलियों ने किया है। पुलिस के मुताबिक औरंगाबाद जिले के देव में जहां हमला हुआ था, वहां नक्सलियों का छोड़ा हुआ एक पर्चा बरामद हुआ है। पर्चे में लिखा है कि नोटबंदी के दौरान उन्होंने भाजपा MLC राजन कुमार सिंह को 5 करोड़ रुपए दिए थे ताकि पुराने नोट बदले जा सके। वो रुपए भाजपा नेता ने वापस नहीं किए। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए लेवी के रूप में अलग से वसूले गए थे, वो भी बीजेपी नेता राजन सिंह के पास ही है, जिसे उन्होंने वापस नहीं किया। इस वजह से उन्होंने ये हमला किया। जाहिर है बिना संबंध है तो नक्सली बीजेपी नेता को 5 करोड़ रुपए नहीं देगी। हालांकि भाजपा नेता नक्सलियों के साथ अपने संबंधों को उनके खिलाफ साजिश बता रहे हैं। माओवादियों के पर्चे में लिखा है कि माओवादियों और उनके रिश्तेदारों की जमीन भाजपा नेता और ठेकेदारों ने जब्त कर रखी है, जिसके बदले में ये कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। शनिवार को हुआ था हमला। औरंगाबाद जिले में देव में शनिवार रात नक्सली हमला हुआ। हमले में बीजेपी नेता के रिश्तेदार की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नक्सलियों के खुलासे से साबित हो गया है कि नोटबंदी बीजेपी के लिए करोड़ों का घोटाला करने का व्यवसाय था। तेजस्वी यादव। बिहार के औरंगाबाद में शनिवार को हुए नक्सली हमले के बाद अब बीजेपी MLC राजन कुमार सिंह के नक्सलियों से कनेक्शन की बात सामने आई है। नक्सली संगठन बागपा माओवादी दस्ते ने हमला की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उनके निशाने पर MLC थे। नक्सलियों का दावा है कि राजन कुमार ने नोटबंदी के दौरान उनसे बदला लेने के लिए 5 करोड़ रुपए लिए थे, जो नहीं लौटाए। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए लेवी के रूप में अलग से वसूले गए थे, वो भी बीजेपी नेता राजन सिंह के ही पास थे, जिसे उन्होंने वापस नहीं किए। यह दावा संगठन ने एक पर्चे के जरिए किए। नक्सली संगठन ने अपने पर्चे में लिखा कि माओवादियों तथा उनके रिश्तेदारों की संपत्ति द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से जब्त की जा रही है, जिसका संगठन विरोध कर रहा है। पर्चे में यह भी बताया गया है कि भाजपा के जमींदारों तथा ठेकेदारों के खिलाफ संपत्ति जब्ती की कार्रवाई जारी होगी। बता दें कि जिले के दवे इलाके में हुए हमले में नक्सलवादियों ने राजन कुमार के चाचा नरेंद्र सिंह को भून डाला, साथ ही बसों व ट्रैक्टरों सहित अनेक वाहनों को फूंक दिया। बीजेपी नेता ने नक्सल कनेक्शन की बात सामने आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, नोटबंदी से नकल स्वाद खत्म करने का ढोंग करने वाले की पार्टी के MLC ने बिहार में नक्सलियों से नोट बदलने के लिए 5 करोड़ ले लिए। नोटबंदी वाजपेयियों के लिए लाखों करोड़ों का घोटाला करने का व्यवसाय था। इनकी नोटबंदी भी फेल और कानून व्यवस्था भी। जिस देश में एक वृद्धा भूख से तड़प तड़प कर मर गई, उस देश का PM विज्ञापन में 5,000 करोड़ खर्च कर रहा है। आधार कार्ड इतना खतरनाक हो सकता है कि वो किसी की जान भी ले सकता है। सरयू देवी की कहानी सुनकर तो ऐसा ही लगता है। सरयू देवी रायबरेली के दरमऊ तहसील की रहने वाली थी। उनके घर में वो अकेली ही रहती थी। वह 5 दिसंबर को कोटेदार राशन लेने गई थी, मगर कोई वेरिफिकेशन ना होने की वजह से उन्हें राशन नहीं दिया गया। कोटेदार के लोग हर बार अलग अलग बहाना बनाकर सरयू देवी को वापस लौटने जाने पर मजबूर करते रहे। कभी फोटोकॉपी के लिए भेजते, कभी आधार कार्ड के गलत नाम दर्ज करने होने की बात करते, मगर उसे सरकारी वितरण केंद्र से उसे अनाज देने के लिए हर बार मना कर दिया गया। वैसे तो कानून यदि सरकार वितरण केंद्र में आधार कार्ड वेरिफिकेशन ना हो तो भी अनाज देने का अनुमति देता है। उस हिसाब से सरयू को भी राशन मिलना चाहिए था, मतलब यहाँ गलती सरकारी कर्मचारियों की हुई है। अपनी किस्मत को आजमाते हुए महिला एक आखिर में एक बार और 28 दिसंबर को फिर कोटेदार पहुंची। इस बार अधिकारियों ने उसे आधार कार्ड की जांच करवाने के लिए राजधानी लखनऊ जाने को कहा। यह सुनते ही सरयू वहीं गिर पड़ी, जिसके बाद गांव वाले ने उसे उसके घर पहुंचाया और फिर दूसरे दिन उसके मौत की खबर आई।
मौत की खबर सुनते ही कर्मचारियों और अधिकारियों में तूफान मच गया। सरकारी वितरण केंद्र के अधिकारियों ने सरयू के घर बोरा भर अनाज पहुंचा दिया। डलमाउस एसडीएम जीत लाल सैनी ने बताया कि जब वो घर की छानबीन करने गए तब सरयू के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, अनाज बोरे भर उनके घर में रखे हुए थे, इसलिए ये स्वाभाविक मृत्यु ही लग रही है। सरयू के मौत की नजर से नहीं हत्या की नजर से देखना चाहिए। इस मौत में सरकारी वितरण के अधिकारी तो जिम्मेदार हैं, साथ ही आधार कार्ड भी सरयू की मौत का अहम कारण है। पिछले 4 सालों में आधार कार्ड को इस कदर अनिवार्य कर दिया गया है कि लोग वोटर आईडी प्रूफ के लिए वोटर आईडी, पैन कार्ड जैसी डॉक्यूमेंट भूल सकते हैं, पर आधार कार्ड सबके पास मिल जाता है। आज राशन लेने के लिए सिर्फ राशन कार्ड अनिवार्य होता तो शायद सरयू देवी हमारे बीच जिंदा होती। जनता के साथ हो रहे इस अत्याचार को देखने के बाद प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं। आधार अनिवार्य करने वाले वही एक शख्स हैं, तो क्या सरयू की मौत की जिम्मेदारी लेंगे? गाजीपुर हिंसा पर बोले अखिलेश, सीएम योगी कहते हैं ठोक दो, इसलिए कभी पुलिस ठोक देती है कभी जनता। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद भड़की हिंसा में पुलिस कांस्टेबल सुरेश वत्स की हत्या मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस हिंसा पर अखिलेश ने सीएम योगी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी की हमेशा एक ही भाषा बोलते हैं कि ठोक दो, और ये घटना इसलिए भी घटी है क्योंकि सीएम सदन में हो या मंच पर हो, उनकी भाषा अपराधियों को ठोकने की होती है, इसलिए कभी पुलिस को समझ नहीं आता किसे ठोकना है, कभी जनता को नहीं समझ आता किसे ठोकना है। गौरतलब है कि शनिवार को गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद कुछ लोगों का समूह अपनी समस्याओं को लेकर पीएम से मिलना चाहता था, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद भीड़ बेकाबू होकर पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगी। इस पत्थरबाजी में कांस्टेबल सुरेश वत्स की मौत हो गई। कांस्टेबल सुरेश वत्स की मौत के बाद यूपी पुलिस और योगी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि कैसे पुलिस वालों को बेकाबू भीड़ मार दे रही है। इससे पहले भी बुलंदशहर के सियाना में इंस्पेक्टर सुबोध की भीड़ ने हत्या कर दी थी। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या में भाजपा से जुड़े संगठनों के नाम सामने आए हैं। गाजीपुर हिंसा के आरोप है कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर पत्थरबाजी से कांस्टेबल की हत्या हुई है। वहीं मृतक सुरेश वत्स के बेटे बीपी सिंह ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। जब योगी सरकार के पुलिस कर्मचारी सुरक्षित नहीं है तो ऐसे यूपी को अपराध मुक्त कैसे बनाएंगे? दूसरी सरकारों पर गुंडा राज का आरोप लगाने वाले सीएम योगी की सरकार अब खुद जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। यहाँ जनता की रक्षा करने वाले खुद पुलिस ही मारी जा रही है। इसकी बागनी बुलंदशहर के बाद अब गाजीपुर में देखने को मिल रही है। मनमोहन सिंह की तरह अगर मोदी पर फिल्म बनी, क्या अनुपम खेर ऐसे ही किरदार निभाएंगे? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर लॉन्च होने के बाद बीजेपी के नेता बहुत खुश हैं। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने के बाद बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्रेलर शेयर भी किया है। बीजेपी की इस हरकत का बचाव करने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर आए। राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि क्या हमारी पार्टी को किसी भी फिल्म पर इच्छा जताने का भी हक नहीं है? पर वहीं जब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी जी ने 5 सालों में देश की दुर्गति की है, उस पर कभी फिल्म बनेगी या नहीं, इस पर भाजपा नेता चुप हैं। फिल्म के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बेचारा दिखाया गया है और गांधी परिवार को खलनायक। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की चर्चा तो हो रही है, साथ ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किरदार निभाने वाले अनुपम खेर भी चर्चा में है। इस फिल्म में खेर ने हूबहू पूर्व प्रधानमंत्री की नकल करने की कोशिश की है। उनके बोलने के अंदाज से लेकर उनके चलने तक अनुपम खेर ने बहुत मेहनत और लगन से इस किरदार को निभाने की कोशिश की है। खेर की इस मेहनत को देखकर लगता है मानो ये शुरू से चाहते थे कि कांग्रेस पर ऐसी कोई फिल्म बने, ऐसी फिल्म जिसमें गांधी परिवार विलन दिखाया जाए। आपको याद हो तो ये वही अनुपम खेर है जो एक समय भाजपा प्रवक्ता की तरह काम करते थे। उनके सक्रिय रहते हुए ऐसा लगता था कि भाजपा के बचाव में बोलने के लिए इन्हें किसी और नेता की जरूरत नहीं है,
सबके लिए अनुपम खेर ही काफी है। नसीरुद्दीन के बयान पर और संजली मॉब लिंचिंग वाले मामले बयान पर तंज कसते हुए अनुपम खेर ने कहा था कि और कितनी आजादी चाहिए। दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ने अनुपम खेर को काम मिलने के बाद लगता है कि उनका मकसद पूरा हो गया है। इस फिल्म में अनुपम के काम की शिद्दत को देखते हुए एंटी करप्शन एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया ने सवाल किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री का अभिनय जिस शिद्दत से आपने किया, यदि भविष्य में प्रधानमंत्री पर फिल्म बनी तो क्या आप इसी शिद्दत से किरदार निभाएंगे। यह फिल्म 11 जनवरी 2019 को रिलीज होगी। 2019 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। चुनाव के कुछ महीने पहले ही रिलीज हो रही है। इसे चुनाव से पहले कांग्रेस की छवि को खराब करने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म उस किताब पर बनी है जिसे संजय बारू ने लिखा है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।